नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल से। ये बाल सीरीज का शिशु निरोगता, शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत अभी तक बच्चों को गर्भस्थ जो शिशु है और वो गर्भवती माँ, इनके अंदर कैसे तालमेल बैठाया जाए, स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसी विषय पे हम लोग विचार कर रहे हैं। भारत को पूर्ण स्वास्थ्य अभियान हेतु बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान। और इस सीरीज पे पहला बात रहा कि अगर कोई माँ का पेट से चक्र व्यूह तोड़ना सीख जाए तो माँ का दिनचर्या, व्यवहार, स्वास्थ्य के स्वास्थ्य ही बच्चा के स्वास्थ्य के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। और इस विगत कुछ वीडियो में गुनगुना नींबू के साथ पानी पीना, क्षारीय शरीर प्राप्त करने के लिए वॉकिंग करना, कुछ योग प्राणायाम बहुत हल्का एंड धीरे और विथ ए राइट मास्टर, उसके ऊपर बातचीत किए। और फिर बच्चों को माँ के शरीर से कैसे मॉर्मेट मैटर निकले, पोषण युक्त शोधन युक्त आहार उसे मिले, बैलेंस डाइट मिले, इन विषयों पे बात करने के बाद अब मुख्य विषय पे आते हैं कि अगर गर्भावस्था में माँ के हाथ पर कहीं ठंडा अनुभव हो रहा है, आप छू के देखो। हमारे उड़िया में प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाता है पादो गरमो पेटो नरमो मुंडो रहे ठंडा, डॉक्टर असली डॉक्टर कुमार डंडा। और उल्टा हो गया, मुंडो गरमो पेट टाण पाद यदि ठंडा, डॉक्टर लारी आसिले मारिब धनर दंडा। मीन्स अगर पैर गर्म है, पेट नरम है, सर ठंडा है तो वैद्य आने से मारो डंडा, यानी वो आपसे पैसा नहीं लूट सकता है। और उल्टा हो गया, सर गर्म, पेट टाइट और पैर ठंडा, डॉक्टर आया तो मारेगा आपको पैसा का डंडा। ये फंडा, ये है आप हमारा फंडा, तो समझ लीजिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अगर इनके माँ का पेट हाथ पैर ठंडा हो रहा है और ये आप अनुभव कर रहे हो कि ठंडा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है सभी का कि आप अपना हाथ पैर को इमीडिएट मालिश करें। सरसों का तेल ले लें हाथ में और पैर में, कस के मालिश, रगड़ के मालिश करें। और अगर ऊनी कपड़ा है तो पहन लें। क्यों ठंडा होता है? ये कंस्टिपेशन, कोष्ठबद्धता एक प्रमुख कारण बनता है। जब रक्त में अम्ल तत्व बढ़ता है और हमारे जो एक्यूप्रेशर भाषा में जो ट्रिपल वार्मर हमारे शरीर में है, वो ट्रिपल वार्मर किसी कारण से सही टेम्परेचर बैलेंस कर नहीं पाते तो हाथ पैर ठंडा होने लगते हैं। और अगर कफ मात्रा कहीं से बढ़ रहा है, कफ मात्रा क्यों बढ़ा कि शरीर में अम्लता बढ़ा, पित्त मात्रा बढ़ा, डिसबैलेंस होने लगा, कफवात पित्त का डिसबैलेंस। मैं इस विषय पर भी आगे अगर संभव हुआ तो, और आपका क्वेश्चन आया तो, कफवात पित्त का बैलेंस कैसे शरीर पर ऋतुचर्या के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार करना, और क्या क्या चीज हमेशा गर्भवती माताओं के पास पूरे डब्बा पैक सेट होना चाहिए, किन किन औषधियों का, वो उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। उससे पूर्व अभी का विषय पे फोकस करते हैं। एक तो बता दिया मालिश, सरसों का तेल का लहसुन लगा के हाथ पैर का मालिश, इफ पॉसिबल नाक में शुद्ध देसी गाय का घी डालना, नाभि में थोड़ा सा घी डालना, और हमेशा इस समय बॉडी को बैलेंस करते हुए चलना। बैलेंसिंग एक्सरसाइज योगासन सबसे उपयोग रहता है, क्योंकि स्मूथ रहता है, साइलेंस जोन पे रहता है, धीर रहता है, इसलिए करना है। और इसका जो प्रयोगात्मक व्यवस्था रहता है कि आप केवल इन्हें करने से नहीं होगा, आपका जीवनचर्या में अगर आप हाई हील पहन रहे हो, हील चप्पल पहन रहे हो, तो बॉडी डिसबैलेंस करेगा। गर्भावस्था में हमेशा चेक करते रहना अपने चप्पल को, कहीं ज़्यादा तो दब नहीं रहा है, एक चप्पल ज़्यादा तो उठ नहीं रहा है, चप्पल बैलेंस है कि नहीं। और इनकेस आपको कहीं डाउट लग रहा है, फेंको चप्पल, नया चप्पल लाओ, बैलेंसिंग होना चाहिए, अदरवाइज कमर पकड़ेगा। तो आप अगर हील ज़्यादा पहनते हो तो कमर का बोन, टेल बोन और बैक बोन के ऊपर उसका प्रेशर बनेगा, क्योंकि इधर अब जब शरीर का एक अंग बाहर निकलने लग रहा है, पेट बाहर की ओर आ रहा है, तो बॉडी डिसबैलेंस करना चालू करेगा। और ऊपर से आप हील पहन लेते हो
तो स्वाभाविक बात है कि ये बच्चा के लिए भी और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक इम्पोर्टेंट और बात, इस समय आप जितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन इस फिनाइल लगा के नहीं, गोबर गोमूत्र से शुद्धकरण किया गया पवित्र भूमि में रहना। दूसरा, अगर ऐसे घर पे रहते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियाँ ठीक से नहीं हैं, तो वहाँ वेल वेंटिलेशन नहीं है, शुद्ध वायु और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसे स्थिति में आप जो बच्चा पेट के अंदर है उसको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उसको उजाला लाइट आलोक नहीं मिल पाएगा। और इधर से हम लोग नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं गर्भावस्था में माताओं को धूप स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, विटामिन डी का रिकवरी करेगा, बोन को मजबूत करेगा, सूर्य शक्ति को मजबूत करेगा, शरीर में ऊपर में या अंदर में होने वाला जो भी फंगल इम्पैक्ट है उसको दूर करेगा। तो ये बेसिक बात है, आगे चल के गहन विषय पर जाएंगे। तो इन तत्वों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि गर्भावस्था में माता अगर सही विषय को ध्यान दे, शिशु उत्तम और स्वास्थ्यवान बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा बात लोगों तक पहुंचाइए। भारत, हमारा लक्ष्य इन सारे माध्यम में पूर्ण भारत स्वस्थ भारत अभियान, 7.5 लाख गाँव पर 14 लाख गुरुकुल, स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना है और 14 लाख गुरुकुल के आचार्यों को निर्माण करके उन तक पहुंचाना है। तो आप विनती है आप सबसे, ऐसे युवक युवती जो बेकार बैठे हैं उन्हें हम तक पहुंचाइए और उन्हें आचार्य बनने का प्रेरणा दीजिए। और आप भी अगर अपना शरीर का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, बॉडी से सारी मॉर्बिड मैटर कचरा, हड्डक बल्गर पिज्जा चाउमीन मिठाई चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट जितना कचरा शरीर पे खा के मैदा वाला खाना इंटेस्टाइन में चिपका हुआ खाना सबको निकालना चाहते हैं, शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं, CGT करना चाहते हैं जैसे गाड़ी गरीब सर्विसिंग किया जाता है, ऐसे शरीर को सर्विसिंग करवाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा केंद्र पे आपका सर्विसिंग किया जाता है। 1 महीना का स्वयं स्वास्थ्य अभियान, स्वयं को स्वास्थ्यवान बनाना, बी योर ओन डॉक्टर अभियान, 1 महीना का ट्रेनिंग कोर्स, इसमें साधना शिविर, आपका शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य बना के जा सकते हैं। 5-7-10 लाख का गाड़ी का आप सर्विसिंग कराते हैं, शरीर का सर्विसिंग करने के लिए हमारे बॉडी सर्विसिंग सेंटर नेचुरोपैथी सेंटर शोधन पे आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कॉन्टैक्ट नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। नमस्कार।